तो कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक गुजारिश निवेदन, अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक शेर और एक शेरनी से, जो कि एक जंगल में होते हैं और जंगल के चारों तरफ बुद्ध के निशान होते हैं, बड़े बड़े स्तूप होते हैं, उनकी मूर्तियाँ होती हैं, शिला लेख होते हैं और उनके बीच में ये शेर और शेरनी रोमांटिक हो जाते हैं और ये लोग एक खोपचे में जाकर संभोग कर लेते हैं, वो भी बुद्ध की प्रतिमाओं के सामने ही। उसका शॉट हमें दिखाया जाता है पूरे जंगल का, जहाँ पर बुद्ध विराजमान है, और हमें फिर दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ इंसान लोग मिलकर जंगल के जो जानवर हैं उनके सींग, उनके दांत और जंगल में से जो भी सामान मिला है उनकी नीलामी कर रहे हैं इल्लीगल तरीके से। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक हीरो जिसका नाम है एडेन। तो एडेन बेसिकली बुद्ध की मूर्तियों को जंगलों में से निकालकर यहाँ सेल कर देता है। और उधर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो शेर और शेरनी ने जहाँ पर संभोग किया था, कुछ टाइम बाद उनके दो बेबी हुए हैं और ये दो शेर के बच्चे बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं और वो बहुत खेलते हैं पूरे परिवार के साथ। खेलते खेलते ये दोनों बच्चे एक नारियल के साथ बहुत ज्यादा खेलते हैं और खेलते खेलते वो एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर इंसान जंगल में आने लगते हैं, तो डर कर अपने केव में भाग आते हैं। तो शेरनी इन दोनों को अपने केव में रखती है सेफ करके और शेर बाहर निकल के मुआयना लेता है कि वो लोग कौन है, कहाँ से आए हैं। और यहाँ पर शेरनी अपने बच्चों को दूध पिलाती है और शेर बाहर निकल कर निगरानी रख रहा है कि कोई मेरे परिवार पर आँच ना आए। और उसके बाद रात हो जाती है और हमें एडेन दिखाया जाता है, उसको शक है कि हमारे आसपास कोई ना कोई शेर या कुछ ऐसे जानवर हैं, तो वो पहले से चौकन्ना हो जाता है। उसके बाद वो रात में ही निकलता है और कुछ मूर्तियों को मार्क करता है जिनको तोड़कर, जिनको निकालकर वो बेचना चाहता है। उसके बाद वो सुबह एक ब्लास्ट करता है, एक मूर्ति निकालता है और यहाँ पर शेरनी डर जाती है अपने बच्चे को लेकर। और तभी वो झांक कर देखती है कि ये लोग जो मूर्तियां निकाल रहे हैं वो हमारे आसपास ही हैं और शेर इनको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो सारे लोग उस शेर के पीछे भागते हैं। इधर से शेरनी अपने एक बच्चे को उठाकर यहाँ से निकलने लगती है और तभी जो शेर का छोटा बेटा होता है वो कूदने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कूद पाता, बेचारा वो अकेला रह जाता है। यहाँ पर शेरनी अपने बड़े बेटे को लेकर भागती है और यहाँ पर एडेन के बंदे उस शेरनी को ढूंढ रहे हैं। उसका ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति यहाँ पर शेर के बच्चे के पास आ जाता है और उसको मारने ही वाला था, तभी यहाँ पर शेर आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। उसके बाद शेर पर एडेन हमला कर देता है और शेर को गोली मार देता है और शेर का बच्चा शेर की बॉडी के नीचे छुप जाता है। उसके बाद एडेन अपने लोगों को बुलाता है और कहता है इस शेर को उठा के ले चलो, ये बहुत महंगा बिकेगा। तो वो लोग शेर को उठाते हैं लेकिन उसके नीचे जो शेर का बच्चा होता है उसको एडेन देख लेता है और वो उसको पकड़ लेता है और उसको पानी पिलाता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें खिलाता है, लेकिन वो उसको बहुत गुस्सा आता है शेर के बच्चे को, वो इसका हाथ खाने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ नहीं होते, तो एडेन इसको छोटी सी टॉफी खिलाता है। उसके बाद एडेन आया है यहाँ पर उस शेर के बच्चे को लेकर और मूर्तियों को लेकर इसको बेचने के लिए, और तभी वहाँ पर पुलिस का छापा पड़ जाता है और पुलिस वाले एडेन को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन शेर का बच्चा जिसका नाम एडेन ने कुमाल रख दिया था, तो कुमाल एडेन को जाता हुआ देखकर परेशान हो जाता है, वो उसके पीछे भागने की कोशिश करता है लेकिन वो कुर्सी से बंधा होता है। और देखते ही देखते पुलिस वाले एडेन को ले जाते हैं और कुणाल उसको देखता रह जाता है। और इधर दूसरी तरफ कुणाल को एक बक्से के अंदर बंद करके एक ट्रक के ऊपर ले जाया जाता है और तभी उसकी माँ उसको देख लेती है और वो उस बक्से से उसको निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर एक ऐसा कट मारते जिससे शेरनी नीचे गिर जाती है और उसका दूसरा बेटा जो बड़ा बेटा है वो और कुणाल की माँ उसको देखते रह जाते हैं और कुणाल शहर में निकल जाता है। और यहाँ पर एडेन को बचाने के लिए आ गया है एक पुलिस वाला और वो कहता है कि जिस गांव में तुमने उस शेर को मारा था वहां पर एक और शेर है, तो तुमने उसको मारना है इसलिए मैं तुम्हें यहां से छुड़ा रहा हूं। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। और यहां पर कुमाल को लेकर आए हैं ये लोग एक सर्कस के अंदर जहां पर इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है और वहां पर एक बड़ा शेर भी है वो उसको देख रहा है। तो कुमाल उस बड़े शेर के पास जाता है लेकिन ये बड़ा शेर उसके पास से उठकर दूर चला जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है वो शेरनी और उसका बच्चा वो जंगल में ही है और शेर का बच्चा यहाँ पर एक जाले से के अंदर कुछ घंटियां बजा देता है जिससे वहां पर जंगल के लोगों ने जो ट्रैप बिछाया होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पर शेरनी एक गड्ढे के अंदर गिर जाती है और उसको बचाते बचाते शेर का बच्चा भी उसके साथ ही गिर जाता है। उसके बाद एडेन आकर इनको ऊपर पिंजरा लगा के इनको बंद कर देता है। और दूसरी तरफ गांव में आ जाते हैं यहाँ के राजा और रानी। तो बेसिकली यहाँ पर सीन ये है, इस गांव में एडेन को इसीलिए बुलाया गया था ताकि वो शेर के बच्चे को और शेर को पकड़ ले और राजा यहाँ पर आकर उसको गोलियों से भून दे। तो यहाँ पर राजा और उसके सारे बंदे हाथियों के ऊपर बैठकर उस शेरनी का शिकार करने निकलते हैं और यहाँ पर एडेन के बंदे शेरनी को बाहर निकालने का जुगाड़ बना लेते हैं और शेरनी यहाँ पर बाहर निकलती है और उसका बच्चा उसके पीछे पीछे भागता है। और यहाँ पर राजा बंदूक लेकर निशाना लगाता है शेरनी के ऊपर और वहां से शेरनी का बच्चा गुफा में से देख रहा होता है कि ये लोग मेरी माँ को मारने वाले हैं। और तभी एडेन इशारा करता है कि वो शेरनी वहां है, वहां देखो सर, और ये राजा उसकी तरफ गोली चलाता है और शेरनी घायल हो जाती है, उसका बच्चा उसको देखकर दुखी होता है। उसका राजा यहां से नीचे उतरता है और शेरनी के ऊपर पैर रखता है
और हमें इधर दिखाया जाता है कि शेरनी को गोली नहीं लगी थी, उसके कान पर गोली लगी थी और वो तभी राजा को ढकेल कर वहां से भाग जाती है और सब लोग उसको गोली मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भाग जाती है। और इधर जो पुलिस वाला होता है उसका एक बेटा होता है, उसके बेटे को वो शेर का बच्चा मिल जाता है जो गुफा में छुपा होता है और वो उसको अपने घर में ले आता है और उसके साथ खेलता है बहुत अच्छे से और उसके साथ ही वो सारा टाइम बिताता है, उसके साथ ही सोता है। और उधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुमाल पिंजरे के अंदर बंद है और वहां पर आया है एडन उससे मिलने के लिए और वो उसको वही कैंडीज अंसारी खिलाता है। उसके बाद वो सर्कस के लोगों को बोलता है कि ये मेरा खास है, इसका नाम कुमाल है और इसके लिए अच्छा सा घर बनाओ, इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो सर्कस के लोग इसके लिए एक बड़ा सा पिंजरा बनाते हैं और उसका नाम भी रख लेते हैं कुमाल। उसके बाद एडन निकल पड़ता है अपने रोजाना काम जो वो करता है, मूर्तियां चोरी करना और शिकार करना। और इधर जो दूसरा शेर है जिसको पुलिस वाले के बेटे ने गोद ले लिया है उसका नाम है सांगा। तो सांगा यहाँ पर एक कुत्ते को काट लेता है जिसके वजह से पुलिस वाले के घर वाले डर जाते हैं कि ये अब कुत्ते को काटने लग गया है तो ये हमें भी काट सकता है। तो पुलिस वाले का बेटा सांगा से बहुत प्यार करता है और सांगा भी इस घर को छोड़ना नहीं चाहता। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, सांगा यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसे बांध के कहीं और भेज दिया जाता है। और पुलिस वाले का बेटा भी नहीं चाहता कि सांगा उससे दूर जाए और यहाँ पर सांगा को एक खतरनाक से म्यूजियम में लाया जाता है जहाँ पर इसको शिकारी बनाने की तैयारी करी जा रही है। उसके बाद बहुत समय बीत जाता है और यहाँ पर कुमाल बड़ा हो चुका है और वो सर्कस में आग के रिंग में आर पार हो रहा है, यानी कि ये कर्तव्य करना सीख रहा है। उसके बाद वो सारे कर्तव्य करने के बाद अपने पिंजरे में चला जाता है। फिर उसी सर्कस में आता है ये बंदा पुलिस वाला और ये कहता है कि हमारे उधर दूसरी तरफ एक शेर है जो बहुत खूंखार है, उससे लड़वाने के लिए हमें एक खतरनाक शेर चाहिए और तुम्हारे पास वो खतरनाक शेर है। तो ये लोग कहते हैं हाँ है तो लेकिन हम उसके 500,000 रुपए लेंगे। तो ये कहते हैं ठीक है। और यहाँ पर हमें राजा दिखाया जाता है जिसके सामने है सांगा और सांगा बहुत खूंखार हो चुका है। तो राजा उससे बात करता है कि देखो मैंने तुम्हारे बाप को मारा लेकिन इसमें हमने गांव वालों की भलाई के लिए तुम्हारे बाप को मारा था, अब तुम एक दूसरे शेर से लड़ोगे और पूरा शहर तुम्हें देखेगा। और यहाँ पर सारे प्रोग्राम का आयोजन किया गया है कि दो शेर आपस में लड़ने वाले हैं और पूरे गांव के लोग और राजा सब लोग इसको देखना चाहते हैं। और यहीं पर आया है एडन और एडन जब देखता है कि इस खतरनाक शेर से लड़ने वाला है कुमाल तो ये इन लोगों को बोलता है कि ऐसा नहीं, कुमाल को मेरे को तुम वापस बेच दो। तो ये कहते हैं ये 500,000 का बिका है, 500,000 रुपए दे दो और अपने शेर को ले जाओ। और तभी वो चाबी छीन लेता है पिंजरे की ताकि ये शेर बाहर निकले ही नहीं, लेकिन ये लोग उसे मार के उससे चाबी छीन लेते हैं। और वहां पर सब लोग तैयार है और यहाँ से पिंजरा खोल दिया जाता है और सांगा निकल के बड़े पिंजरे में आ जाता है, बड़े रिंग में आ जाता है अखाड़े में यानी के, और अखाड़े में एक पंजा मारता है और नीचे एक बॉल जैसा कुछ गिर जाता है। उसका सांगा यहाँ से इधर उधर भागने की कोशिश करता है लेकिन चारों तरफ से जेल बनी होती है। और उधर दूसरी तरफ कुमाल लड़ना नहीं चाहता लेकिन जबरदस्ती इसको अखाड़े में उतार दिया जाता है। और यहाँ पर ये दोनों शेर आपस में लड़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर तक लड़ते हैं, उसके बाद कुमाल डरता है और सांगा उसको मारने की कोशिश करता है और तभी वो देखता है उसकी आंखों को और वो उसको पहचान जाता है, ये मेरे बचपन का भाई है। उसके बाद ये दोनों लड़ने की बजाय एक दूसरे से खेलने लग जाते हैं और सारे लोग खुश भी होते हैं लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ये लोग ऐसे खेले नहीं, ये लोग लड़े, एक दूसरे का खून बहा दें। और तभी यहाँ पर कुछ लोग पिंजरे से इनको चुबाने लग जाते हैं, सुइयां भाले मारने लग जाते हैं। और तभी सांगा एक बंदे का हाथ पकड़ लेता है, उसको खाने की कोशिश करता है और दूसरा बंदा सांगा को गोली मारने की कोशिश करता है और तभी कुमाल उस पर हमला करता है। और दरवाजा खुलने के बाद ये दोनों शेर यहाँ से निकल जाते हैं और सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। उसके बाद ये दोनों शेर निकल कर आ जाते हैं जंगल के अंदर और जंगल के बीच में एक गाड़ी होती है वो क्रैश हो जाती है, उसके अंदर कुछ फल और सब्जियां होती हैं, ये दोनों शेर वही खाते हैं। उसके बाद वो फिर शहर में आते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, नहाते हैं, सिनेमा हॉल में टिकट बेचते हैं। उसके बाद वो पुल से सीधा जंगल की तरफ आ जाते हैं और जंगल में कुमाल सांगा को कूद कूद कर दिखाता है कि मैं जंगल में ऐसे ऐसे करता था, बेसिकली वो बात नहीं करते लेकिन ऐसे ही करके दिखाते हैं। और तभी इन पर कोई गोलियों से हमला करने लग जाता है और ये दोनों जंगल के अंदर भागने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है हीरो आ चुका है उन दोनों शेरों को पकड़ने के लिए, लेकिन ये पुलिस वाला कह रहा है कि मेरी बहुत बदनामी होगी और राजा साहब ने आदेश दिया है कि उन दोनों शेरों को मार दो, तुम जल्दी से उन्हें मार दो। और वहीं पर एडन से मिलने आता है पुलिस वाले का बेटा और वो बोलता है कि सांगा जो है बहुत अच्छा है, उसे गोली मत मारना तुम, वो इंसानों को नहीं मारता। और यहाँ एडन कहता है कुमाल भी बहुत अच्छा है, वो भी कभी इंसानों को उसने मारा नहीं है, लेकिन हमें उन्हें पकड़ना ही होगा नहीं तो वो यहाँ के लिए खतरा ही है। और तभी ये दोनों जंगल के अंदर घूम रहे होते हैं और देखते हैं अपना घर वो सामने है बुद्धा के उधर, और वो जाने की कोशिश करते हैं। और इधर से एडन अपने बहुत सारे बंदों के साथ बहुत सारा केरोसिन लेकर पहुंच जाता है और मेन जंगल के अंदर जाने के सारे रास्तों पर वो लोग केरोसिन और तेल गिरा देते हैं और आग लगा देते हैं ताकि ये दोनों शेर मेन जंगल में ना जा पाए और ये उन्हें मार दें। और यहाँ पर हर तरफ आग लगने लग जाती है और यहाँ कुमाल और सांगा दोनों इधर से उधर भागने की कोशिश करते हैं पर मेन रास्ता जो है बंद हो जाता है। उसके बाद इधर दूर से एडन देखता भी है इन दोनों के वो रहे वो दोनों, और वो अपने बंदों को बोलता है कि जब मैं कहूँ तब उन्हें गोली चला देना तुम। और यहाँ पर सांगा और कुमाल उनको मेन रास्ता मिल गया लेकिन यहाँ पर आग है, और तभी कुमाल यहाँ से जंप करता है, वो आग को क्रॉस कर जाता है और उधर से चिल्लाता है कि तुम भी आ जाओ, लेकिन यहाँ पर सांगा कहता है मैं जल जाऊंगा, मतलब ये लोग बात नहीं करते, ऐसे इशारों में बताते हैं। उसके बाद कुमाल वापस
पुलिस आता है और कहता है कि देखो हमें अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा, तो चलो मेरे साथ, उनकी गोली खाने से अच्छा हम लोग आग में भूनकर मर जाएं। और यहाँ पर इन दोनों को ऐसे करते हुए ये प्यार इनका देखकर अपना एडन बहुत खुश हो रहा है। उसके बाद कुमाल फिर यहाँ से एक जंप लेता है और उसके पीछे ही जंप लेता है उसका भाई सांगा। और इन दोनों की दोस्ती, इन दोनों का प्यार देखकर एडन समझ जाता है कि ये इंसानों के लिए खतरा नहीं है, इन दोनों में तो इतना प्यार है। और वो एक लेटर लिख देता है पुलिस वाले को कि मैंने उन दोनों शेरों को मार दिया है, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। और इधर नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है कि पुलिस वाले का बेटा सांगा से मिलने आया है और उसको बोलता है कि देखो अब तुम्हें मेन जंगल में चले जाना चाहिए और वापस मुड़कर मत आना, नहीं तो यहाँ के इंसान लोग तुम्हें मार देंगे। और उधर कुमाल के पास आया है एडन और एडन कहता है देखो अब मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है, अब तुम ऐसा करो मेन जंगल में चले जाओ और तुम्हें यहीं पर सर्वाइव करना सीखना होगा, तुम शहर में नहीं रह पाओगे, शहर में बहुत दुख और तकलीफ है। उसके बाद ये दोनों अपने अपने शेरों को अलविदा कहते हैं और ये दोनों शेर जंगल के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक शेरनी की आवाज आती है इनको। और शेरनी के पास आते हैं तो देखते हैं तो इनकी माँ है। उसके बाद ये लोग अपने पुराने घर पर आ जाते हैं और वहीं पर खुशी से रहते हैं और यहाँ पे एक खूबसूरत फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ज्यादा अच्छी है, आप लोग पूरे परिवार के साथ बैठकर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।